हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक हैवी साइज़ प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूं। तो ये देखिए, ये मैंने प्लाज़ो तैयार कर रखा है। इस तरह का प्लाज़ो मैं आपको सिलकर दिखाऊंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्लाज़ो में ऊपर फुल इलास्टिक वाला है ये, और नीचे से इसमें कटवर का हमने डिज़ाइन डाला है। इस प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और बीच में से कोई भी पार्ट स्किप ना करें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आपने एक बार इस मेथड से प्लाज़ो बना लिया, तो आप किसी भी साइज़ का प्लाज़ो बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसकी कटिंग शुरू। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने कपड़ा ले लिया है। कपड़ा है मेरे पास 2.25 मीटर। तो इसी में से मैं प्लाज़ो कट करूँगी। जो ये प्लाज़ो की कटिंग करेंगे, इसकी लेंथ है 39 इंच, हिप साइज़ है 48 इंच। तो इसी के अनुसार मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये किनारे वाली साइड है, इसको आपस में मिलाते हुए इस तरह लंबाई में किनारे से किनारे मिला के पूरे कपड़े को फोल्ड कर लेना है अच्छे से। ये हम उल्टी साइड से कपड़ा फोल्ड करेंगे। अगर आपके कपड़े में रिंकल्स हैं, तो आप उसको पहले प्रेस कर लीजिए अच्छे से, पूरे रिंकल्स सारे हटा के तब आप इसकी कटिंग कीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं कपड़े को फोल्ड कर लूँगी, और ये हमने 4 लेयर में इस तरह से हमें फैला लेना है अच्छे से। जो नीचे वाली है, नीचे वाला पार्ट है, उसको मैं यहाँ से देखिए, ये 3 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखा है मैंने। और जो फ्रंट वाला, ये बैक वाला पार्ट होगा जो हमने एक्स्ट्रा रखा है, और जो ये कम वाला है, ये फ्रंट बनाएंगे हम इसका। इसे क्या, इस तरह से रखने से क्या होगा ना, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स एक साथ हम कट कर सकेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी लेंथ है 39 इंच, तो मैं 39 में से 1 इंच घटा के यहाँ पे निशान लगा लूँगी। मतलब 38 इंच पे मैंने निशान लगाया है। 1 इंच मैंने इसलिए घटाया क्योंकि इसके ऊपर मैं अभी बेल्ट ऐड करूँगी, जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, तो उससे ये पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 38 का निशान लगा लिया है। अब इस निशान को मैं सीधा कर दूँगी। और इसके नीचे एक निशान मार्जिन का लगाएंगे। देखिए, अगर आप नीचे से सिंपल मोड़ रहे हैं, तब तो चाहे आप मार्जिन कम ले सकते हैं, मतलब 2 या 3 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। अगर आप नीचे से इसमें कटवर का डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसके लिए हमें नीचे 4 इंच का मार्जिन लेना होगा। तो मैंने 4 इंच का मार्जिन लेके निशान लगा लिया है। और अब इसमें सबसे पहले हम इसकी किनारी है जो, इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि किनारी के कारण खिंचाव बनता है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी मतलब फिनिशिंग नहीं आएगी, और बीच में जैसे साइडों से ऊपर खिंचा खिंचा होगा ये। तो इसलिए सबसे पहले हमने इसकी किनारी को काट दिया है। अब यहाँ से देखिए, इसकी चौड़ाई किस तरह लेनी है। अब जैसे कि आपको बताया कि इसका हिप साइज़ 48 है, जो भी हिप साइज़ हो, चाहे कोई भी हो, उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। मतलब उसको 4 से भाग कर लेना है। 48 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया, तो आ गया 12 इंच, और 12 में हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मतलब ये हो गया 14.5 इंच। अगर 44 इंच तक का साइज़ है, तो आप 2 इंच ऐड कीजिए। अगर 44 से ज़्यादा है, तो आप 2.5 इंच ऐड कीजिए। अब इसके बाद हम इसका आसन लेंगे। आसन हमें जितनी हमने ऊपर से चौड़ाई ली है, जैसे 14.5 इंच लिया है, तो उसमें से 1 इंच माइनस करना है। ऊपर से जितना भी होगा, उसमें से 1 इंच माइनस करते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे, और ये 2.5 इंच आसन आगे की तरफ बढ़ा के इस तरह से इसकी गुलाई कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी मोरी मैंने 11 इंच तैयार करनी है। आप अपनी मर्ज़ी से मोरी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा लूज़ प्लाज़ो बनाना है इस तरह से। जितनी मोरी हमें तैयार करनी है, यहाँ पर एक निशान तो मैं वो लगा लूँगी पहले। ये निशान हम फ्रंट वाले पार्ट के लिए लगा रहे हैं अभी। अब हम लेग शेपर लेंगे।
और उसको इस तरह से रखेंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये निशान केवल हम इस साइड ही लगाएंगे, किनारे वाली साइड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हम प्लाजो बना रहे हैं। जब हम पैंट बनाते हैं तो हम दोनों साइड निशान लगाते हैं। तो ये देखिए, अब ऊपर हम लगाएंगे प्लेट का निशान। जो भी चौड़ाई होगी उसके बीच में, मतलब उसका हाफ निशान लगाना है इस तरह से करके। उसके सेंटर में प्लेट डलेगी यहाँ पे, और प्लेट की लंबाई हम 7 से 8 इंच की रख सकते हैं इस तरह से। ये फ्रंट वाले पार्ट में लेफ्ट और राइट दोनों साइड प्लेट लगेगी। तो अब जैसे जैसे ये निशान लगाए हैं फ्रंट वाले पार्ट पे, इसको हम कट कर देंगे और फिर उसके बाद हम बैक वाले पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। कपड़े को बिल्कुल इस तरह से रखना है, कपड़ा कोई अलग नहीं करना है। अभी नीचे से लंबाई के तो हम चारों पीस इकट्ठे काट लेंगे इस तरह से। अब ऊपर से दो लेयर उठाते हुए, सिर्फ दो लेयर उठानी है इस तरह से। पहले हम आसन की कटिंग करेंगे, फिर हम जैसे निशान लगाया हुआ है उसके हिसाब से कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट कट हो गया है। अब इसके बाद हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक वाले पार्ट के लिए क्या करना है, देखिए जो ये आसन का कॉर्नर है, जहाँ पे हमने आसन की गोलाई की है, इस कॉर्नर से हम ऊपर की तरफ सीधा एक निशान लेंगे इस तरह से। बैक वाले पार्ट की हमें चौड़ाई बढ़ानी है, तो इस तरह से हमने कॉर्नर से ऊपर तक निशान ले लिया है इस तरह। और अब जैसे ये आसन हमने पहले 2.5 इंच आगे बढ़ाया था, तो बैक वाले पार्ट के लिए भी हम 2.5 इंच आसन बढ़ाते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर उसकी गोलाई कर देंगे। अब देखिए, जो ये ऊपर की तरफ हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको भी हमने इस तरह से तिरछा मिला देना है। बिल्कुल स्ट्रेट निशान नहीं लगाते यहाँ पे, थोड़ा सा गोलाई में होना चाहिए। जैसे ये लेग शेप पर थोड़ा सा गोलाई में होता है, तो इसी तरह हम इसको रख के निशान लगा देंगे। और अब यहाँ से भी एक मतलब पीछे वाले पार्ट की चौड़ाई बढ़ाते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी यूँ है कि मेथड सिर्फ यही होगा, इसी मेथड से आप किसी भी साइज़ का पैंट या प्लाजो कट कर सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, जैसे जैसे निशान लगाए हैं बिल्कुल उसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देंगे। नीचे तक पीस को कट कर देंगे। अभी देखिए, जो हमने लेंथ का पहले निशान लगाया हुआ है, इस निशान को मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूंगी। जो बैक वाला पार्ट है ना, इस पे भी लगा देंगे, और यहाँ पर दोनों पे, मतलब फ्रंट वाले पार्ट पे और बैक वाले पार्ट पे छोटे से कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमें बार बार लंबाई का मतलब दोबारा मेजरमेंट ना लेना पड़े। इस कट तक ही हमारी लंबाई तैयार होगी इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम पॉकेट और ऊपर के लिए जो बेल्ट यूज़ होगी वो कट करेंगे। ये प्लेट का निशान लगाया, यहाँ पे भी छोटा सा कट लगा दूंगी मैं, ताकि दोनों साइड इक्वल प्लेट का प्लेट लगे। अब इसके बाद जो ये साइड से कपड़ा बचा हुआ है, इसी में से हम पॉकेट बनाएंगे और ऊपर बेल्ट के लिए पट्टी यूज़ करेंगे। पॉकेट की लंबाई हम 13 से 14 इंच तक की हम लंबाई रख सकते हैं इस तरह से। ये मैंने 13 पे निशान लगाया है। अब यहाँ से
5.5 इंच निशान लगाया और नीचे से 8 इंच निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए नीचे से हल्की सी गोलाई करनी है हमने इसको, ऐसे थोड़ी सी गोलाई करते हुए कट कर देंगे। तो ये देखिए इसकी पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद जो बाकी कपड़ा बचा है उसमें से हम ऊपर के लिए पट्टी निकालेंगे। पट्टी की चौड़ाई मतलब हमने 4-4 इंच की पट्टियाँ निकाल ली हैं, दो। अगर कम या ज़्यादा मतलब कम हो तो हम उसको जोड़ लगा के पूरा करेंगे। तो इस तरह से मैंने दो पट्टियाँ निकाल ली हैं। इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप प्लाजो की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। स्टिचिंग हमेशा हम सबसे पहले आसन से शुरू करते हैं। तो ये देखिए आसन को मैंने इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ इस पर, पूरे आसन पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, इस तरह से। अब इसको खोलते हुए जो ये कपड़ा हमने फोल्ड किया है इसको, ये जो कपड़ा नीचे किनारे निकली हुई ना, इसको इसके ऊपर से कवर करते हुए इस तरह से हम दाब की सिलाई लगा देंगे। तो अगर आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही बढ़िया सिलाई लगती है, और ना ही आपको इसको ओवरलॉक करना पड़ेगा, और देखने में भी ये अच्छे से सफाई से लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई लग गई है हमारी। दोनों आसन को हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। अब इसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट पर ये प्लेट का जो निशान लगाया हुआ है इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से तिरछी सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड भी प्लेट लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड प्लेट मैंने लगा ली है। अब इसके बाद हम पॉकेट अटैच करेंगे इसकी। पॉकेट लगाने के लिए ये देखिए जो मैंने पॉकेट कट कर रखी है वो हम इसके ऊपर रख लेंगे। पॉकेट हमेशा राइट साइड लगती है इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ से 8 इंच का नापते हुए 2 इंच ऊपर से छोड़ा और नीचे 6 इंच का हमने ऐसे निशान लगा लेना है, और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। इसको हल्का सा पक्का कर देंगे ताकि धागा निकले ना। और जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है कि यहाँ पे कट लगाएंगे इस तरह से, दोनों दो कट लगा लेने ने। अब इसको इस तरह से खोलते हुए ऐसे कपड़े को बाहर निकाल लेंगे। और जहाँ पे ये कपड़े पे सिलाई लगाई है इसके ऊपर से हमने एक टॉप स्टिच लगा देना है ताकि ये पॉकेट अच्छे से फिक्स हो जाए। पॉकेट को इस तरह से खोलते हुए बीच से कपड़ा पकड़ के इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है।
अब इसके बाद हम इसको पॉकेट को इस तरह से पलट लेंगे। ऊपर से इस तरह से तीनों कपड़ों को आपस में पकड़ते हुए जो इंच पे भी सिलाई लगा देंगे। तीनों ये जो तीन लेयर हैं, तीनों की तीनों लेयर एक साथ इक्वल आनी चाहिए बिल्कुल। इस तरह से और यहाँ से भी इसको फिक्स कर देंगे। अब जो ये पॉकेट का कपड़ा ऊपर निकला है इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को एक साथ जोड़ लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को मैं पहले जो इस साइड हमने पॉकेट लगाई है उस तरफ से जोड़ना चाहिए। तो ये पॉकेट वाली साइड से मैं इन दोनों पार्ट्स को जोड़ रही हूँ आपस में। ध्यान नहीं रखना है सिलाई लगाते हुए कि यहाँ पे जो पॉकेट की जो मतलब ओपन है, जहाँ से पॉकेट ओपन हुई है, वो सिलाई में ना आए, बाकी सिर्फ कपड़ा ही इस तरह से सिले। बस इस तरह से हम सिलाई को नीचे तक पूरा इसको सील देंगे। अभी दूसरी साइड हम इसको बंद नहीं करेंगे, उससे पहले हमने ऊपर जो इलास्टिक के लिए बेल्ट लगानी है वो लगाएंगे, उसके बाद हम दूसरी साइड बंद करेंगे। अभी सिर्फ हमें एक ही साइड बंद करनी है। तो अभी जो हमने पट्टी कट की थी 4-4 इंच की, दो पट्टियां कट की थी, वो पट्टियां लेंगे और उनको आपस में जोड़ लेंगे। इसको खोलकर जो हमारा प्लाजो है उसके ऊपर हमें इसको स्टिच करना है। प्लाजो का कोई भी एक सिरा ले लेंगे। और इसके ऊपर इस तरह से पट्टी रखते हुए इसको स्टिच कर देंगे। पूरे कपड़े को मतलब पूरी पट्टी को इसके ऊपर स्टिच कर देना है, दूसरे सिरे तक ले जाना है इसको। इस तरह से ही कपड़ा कोई भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से। तो ये देखिए इस तरह से हमने पट्टी को अटैच कर दिया है इसके साथ। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट कर अलग कर देंगे इस तरह से। अब हम दूसरी साइड से इसे बंद करेंगे। पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ सीधा करते हुए अब दूसरी साइड से भी इसे बंद कर देंगे इस तरह से।
यहाँ पर भी कोई कपड़ा नहीं खींचना है, अगर खिंचाव हो गया तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए इस तरह से दोनों साइड बंद हो गई हैं। अब लेंगे हम इलास्टिक। इलास्टिक जितनी मतलब जिसके आप प्लाजो तैयार कर रहे हैं उसकी कमर के अनुसार इलास्टिक ली जाती है। तो ये देखिए आप चाहें तो पहले जो हमने पट्टी लगाई है उसको आप फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद इलास्टिक डालिए, लेकिन मैं साथ साथ इलास्टिक डाल देती हूँ। तो इस तरह से ऐसे इलास्टिक के दोनों सिरे जोड़कर और पट्टी को इसके ऊपर कवर करते हुए इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लगाते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना लगे, इलास्टिक से हटाकर धीरे धीरे करके हम इसको पूरे कपड़े पे इस तरह से सील देंगे। इलास्टिक को खींच लेंगे थोड़ा सा। इस तरह से लगाना वैसे काफ़ी आसान होता है, अगर आपको एक दो बार थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपने एक बार इस तरह से लगा लिया तो ये बहुत इजी तरीका है और इससे इलास्टिक पलटती भी नहीं है। ऐसे कई बार होता है कि इलास्टिक जब हम डालते हैं तो वो पलट जाती है, लेकिन इस तरह से लगाने से कभी भी नहीं पलटती। तो सारे कपड़े को हम इस तरह से स्ट्रेच करके पूरा आपस इक्वल फैला देंगे और अब इसके ऊपर इलास्टिक के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। इलास्टिक को खींचकर देखिए इस तरह से लगाना है बिल्कुल फिनिशिंग से। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरे इलास्टिक के ऊपर सिलाई लग गई है और ये बढ़िया स्ट्रेच आया है इसमें। अब हम नीचे की तरफ से इसकी मोहरी तैयार करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि हम इस तरह से कटवर लगाएंगे इसके ऊपर, तो इसके नाप के हिसाब से हम इस कटवर की पट्टी कट कर लेंगे, पहले जितनी हमें चाहिए उतना ले लेंगे। और उसके बाद जहाँ पर हमने लेंथ का निशान लगाया है, ये देखिए जहाँ तक हमें तैयार करना है वहाँ पर इस पट्टी को रखकर इस तरह से फिर इसे पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर। हम अच्छे से प्रेस करके इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने पट्टी को इसके साथ अच्छे से चिपका दिया है। अब नीचे जो मार्जिन वाला कपड़ा बचा हुआ है नीचे, उसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। पहले थोड़ा फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि हमें बाद में आसानी रहे। से स्टिच कर लेना अच्छे से इसको। अब इसके बाद इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए बाहर की तरफ, अब जिस शेप में ये कटाव के जैसे शेप है राउंड इसके सर्कल्स हैं, इसके बुकरम के पास पास हम इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल आराम आराम से इस तरह से लगानी है, जैसी शेप है बिल्कुल उसी के अनुसार इसके सर्कल्स के साइड में इस तरह से लगा लेंगे सिलाई। कोशिश करेंगे कि बुकरम के ऊपर सिलाई ना जाए, सिर्फ कपड़े के ऊपर चले, बुकरम के बिल्कुल पास पास लगानी है इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे वाले जो पैर की मोरी है उसको भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे पूरे इस पे सिलाई लग गई है सर्कल्स पे इस तरह से। अब जहां जहां पर ये नोक है इसकी वी बने हैं जहाँ पे, उनमें हम कट्स लगा देंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी रहे। अब इसके बाद हम इसको पलट देंगे।
तो ये देखिए पलटने के बाद कितने फिनिशिंग से हमारे अच्छे से पट्टी लग गई है। अब इसके बाद हम कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड करते हुए, ये थोड़ा सा मार्जिन का कपड़ा थोड़ा सा कम रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये मैंने इस तरह से मोरी तैयार कर ली है। बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी मोरी भी तैयार कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों मोरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब जितना भी हमें खुला रखना है, जैसे मुझे 11 इंच इसकी मोरी तैयार करनी है, तो मैंने 11 इंच का निशान लगाकर बाकी पूरे प्लाजो को इस तरह से हम बंद कर देंगे, सेंटर की सिलाई लगा देंगे इसको, और इस सिलाई को हमने डबल करना है। तो इस तरह से मैंने प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग आप लोग के साथ शेयर की। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज़ और, ये देखिए जैसे कॉर्नर्स होते हैं, इसको भी हम इस तरह से दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा के फिक्स करेंगे इसको अच्छे से, जिससे कि बाहर ना निकले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।